हेलो गाइस, ये आउटडोर की मोटर है 900 आरपीएम में। ये हमारी 35 नंबर तार से डली है। कोर है इसकी 1 इंची आधा सूत। एसी आउटडोर की मोटर है ये, जिसका ये स्टेटर है। ज़्यादा तो खैर क्या बताऊँ मैं इस मोटर के बारे में, बस मैंने थोड़ी फर में छोटे डाल दिए हैं। और किसी को ऐसी की मोटर वाइंड करवानी हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में। कोई सी भी ऐसी की मोटर हो, फैन मोटर, सारी मोटर वाइंड होती है। आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कौन सी वीडियो पसंद है, उस हिसाब से मैं मोटर के बारे में वीडियो बना दूँगा। उस मोटर की कौन सी मोटर पर आपको वीडियो चाहिए, और ये मेरा हमेशा सेट रहता है, सेट डालता हूँ हमेशा मैं मोटर में। कभी सिंगल सिंगल नहीं डालता हूँ, सिंगल जब डालते हैं जब मेरे पास उसके फर्मे नहीं होते। अब मेरे सेट के फर्मे बने रहते हैं हर मोटर में। और आप भी बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, इसमें कैपेसिटर 250 होता है, इसमें इसके सीरीज कनेक्शन होते हैं, 900 आरपीएम की मोटर है। और बताओ आपको, जो मैंने पहले कितनी वीडियो डाली है, आपने उस पर इतने लाइक नहीं आते मेरी वीडियो पे, कोई लाइक नहीं करता, इतने बंदे मैंने सब्सक्राइबर कर दिए। कोई अगर वीडियो में कोई कमी हो तो बताना मुझे प्लीज़ कमेंट्स में, मैं शायद उसको दूर कर दूँ। थोड़ा तेज़ नहीं बोलता क्योंकि ऊपर तक आवाज़ चली जाएगी, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, क्या बोल रहा है, आपस में बड़बड़ा रहा है।
और ये हमारे रनिंग का आखिरी कॉइल डाल चुका है 104 की पिचेस की 24 लाड मोटर। इसे पंखे की आवाज जरूर आएगी। उस पंखे की आवाज़ माइक में ज़रूर आएगी और मैं भी क्या कर सकता हूँ, नहीं तो गर्मी लगेगी। छोटी सी मोटा है पर आउटडोर की छोटी वाली। थोड़ी दिक्कत होगी स्टार्टिंग में मुझे डालने में, कहीं को कॉइल मेरे जो फर्म है जो है छोटे डल गया है। अब ये हमारी स्टार्टिंग डलेगी, इसकी रनिंग तो डाल दी, स्टार्टिंग डलेगी। और ये स्टार्टिंग आउटडोर की जो मोटर है ये सिंगल स्पीड में ही होती है, वो छत पे लगा रहता है, ये आउटडोर एसी की मोटर है ये। हेलो दोस्तों, ये हमारी मोटर हो चुकी है रनिंग, स्टार्टिंग डल गई। रनिंग स्टार्टिंग डल गई, थोड़ी टाइट डली पर मैंने इसको डाल दी है। और इसको मैं अभी तैयार करता हूँ, देखो ज़रा मैं इसको धागा भागा करता हूँ, इसको तैयार करता हूँ। सेपरेशन डल रहा हूँ हमारा, और ये मैं टेप भी लगाता हूँ इसमें ताकि मोटर की खूबसूरती बढ़ जाए और पानी वानी से भी बची रहे।
टेप। अब ये करता हूँ मैं इसमें थाला। धागा अपना तो ज़्यादा देर का काम नहीं होता, धागा तो दो दो सिलाड़ में डाल लेते और अपना काम मिल जाता। ओके दोस्तों, और कुछ जानकारी चाहिए हो कनेक्शन के बारे में, लीडो के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दाग ऐसा लगा दोस्तों, मोटर का काम बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं, धागा भी अच्छा वाला होता है, ऐसा धागा नहीं होता सूत का, ये अच्छा वाला होता फिनिशिंग वाला। दोस्तों मैंने इसकी लीड लगानी होगी, सिंगल स्पीड में दो कंपास्टर की दो मैन है इसकी। दो ब्लैक ब्लैक जो है इसकी मैन है, ग्रे ग्रे इसकी कंपास्टर की है। तार है इसकी थिंबल वाली, ये दो कैपेसिटर की, ये दो मैन। जब ये पूरी मोटर हो जाएगी तो बंदे समझ जाएंगे ये उस वाले आउटडोर की मोटर है। और ये सीधी रोटेशन में है, इसमें लगेगा पटाखे। और ये हमारे जैन और अटाकलर पहले वाली साइड मैंने आपको दिखाया होगा वीडियो में, टाके जो बड़े खतरनाक टाके हैं। शोल्डर के लिए सीधा मैं ये वाला टाक लगा देता हूँ।
फाइनल है इसका धागा। ये वाली मोटर है ये आउटडोर की, इसमें ये वाली लीड होती है ग्रे और ब्लैक, इसके ये वाले कवर हैं। आरपीएम 900 कैपेसिटर 3 का और कुछ लिखा रहता है इसमें, पर हमारे मतलब का जो होता है बस यही होता है, ज़्यादा नहीं होता। हायर की मोटर है ये, एयर कंडीशन मोटर।